टॉप फाइव बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 70,000 बता देता हूँ। बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियोस वगैरह नहीं चाउट की बेस्ट 4K स्मार्टफोन एंड ब्लॉगिंग स्मार्टफोन की, तो आई बटन में लिंक आउट दे दूंगा यार, उसको चेकआउट कर लेना। इस मंथ के दी बेस्ट स्मार्टफोन है, जो भी आपका बजट है, मैंने सभी वीडियो की है, 7,000 से लेके 1,00,000 के अपर तक की वीडियो की हुई है। अगर आप फोन कोई सर्च आउट कर रहे हो, आपका कोई बजट है, तो आई बटन में चेकआउट कर लेना। आई बटन में लिंक ना मिला तो मेरे चैनल को क्लिक आउट करना, प्लेलिस्ट में जाना, स्मार्टफोन का फोल्डर वगैरह होगा उसको क्लिक आउट कर लेना, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप फोन वगैरह देख लेना। सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन औजला, वेलकम टू दी औजला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया आया हो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, तो नंबर 5 की बात है। नंबर 5 पर आता है OnePlus 8 Pro, लाइक दी बेस्ट देखने को मिल जाता है आपको फोन। इसका कलर हो गया, डिजाइन हो गया, दी बेस्ट है। बट रिव्यू देखे थे, रिव्यू में एक चीज लोगों ने बोली थी, लाइक स्क्रैच बहुत जल्दी पड़ जाते हैं बैक साइड पे, आपको केस के साथ ही इसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस इसका कैमरा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बाहर को है, जब आप फोन ऐसे रख देते हो तो स्क्रैच पाने के डर हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा सही है। प्लस आपको ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। प्लस इसकी वीडियो क्वालिटी ना दी बेस्ट है, दी बेस्ट। लोगों ने सिनेमैटिक वीडियो वगैरह शूट किया है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। स्पेसिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको 6.78 इंच HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है। उसके बाद रैम की बात करूँ, आपको 3 वेरियंट में देखने को मिलता है, 6GB रैम, 8GB रैम प्लस 12GB रैम। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 2 वेरियंट में देखने को मिल जाता है, 128GB प्लस 256GB, जो भी आपके बजट में सेट बैठता है आप उसकी ओर जा सकते हो। उसके बाद बैटरी की बात करूं तो 4510mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। प्लस आपको 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फ़ोन, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। कैमरे की बात करूं, आपको 48MP प्लस 48MP प्लस 8MP प्लस 5MP आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप फोटो शूट करना चाहते हो, वीडियो शूट करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। सेल्फी की बात करूं, आपको 16 मेगा सेल्फी इसमें देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात कर लेते हैं तो 12GB वाला वेरिएंट जो है ना, वो आपको 59,999 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है। अमेजोन लिंक दिया हुआ है, अगर चेकआउट करना चाहते हो आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। फ़ोन को IP68 रेटिंग आई थिंक मिली हुई है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट की, जो कि प्लस पॉइंट है इसका, ठीक है। अगर बारिश वगैरह भी हो रही है, इस पर पड़ भी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपके फ़ोन को। इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ज़्यादा सही चीज़ मिल रही है। प्लस अगर आप सिनेमैटिक करना चाहते हो, व्लॉगिंग भी करना चाहते हो, तो इस फ़ोन की ओर आप जा सकते हो, बहुत ज़्यादा सही आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं नंबर फोर की बात करते हैं। नंबर 4 पर आता है सैमसंग की ओर से फ़ोन। अगर आप सैमसंग लवर हो तो इस फ़ोन की ओर जा सकते हो, आपके लिए दी बेस्ट फ़ोन देखने को मिल जाता है। बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S10 Plus की, बहुत ज़्यादा सही है। इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सही है, IP68 रेटिंग मिली हुई है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट की। उसके बाद बात करूँ यार, आपको वायरलेस चार्जिंग इसमें देखने को मिल जाती है। इसकी डिस्प्ले जन्नत है, गोरिल्ला ग्लास 6 की आपको प्रोटेक्शन इसमें देखने को मिल जाती है। एक चीज़ इसकी बिल्कुल भी अच्छी मुझे नहीं लगी थी, अगर आप फेस अनलॉक लगा देते हो, आपका कोई फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड आपकी फ़ोटो ही दिखा देती है आपके फ़ोन को, तो जो आपका फ़ोन है यार वो अनलॉक हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। ये बस इसमें कमी है, और इसमें कमी कोई भी नहीं है। लोडेड फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्प्ले की। डिस्प्ले की बात करूं तो आपको 6.4 इंच HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं, Exynos 9820 देखने को मिल जाता है। रैम की बात करूं तो आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 6GB रैम प्लस 8GB रैम, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज की बात करूं, आपको स्टोरेज भी 2 वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, 128GB प्लस 530GB, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप एक्सपेंडेबल भी इसको कर सकते हो। बैटरी की बात करूं, 4100mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस 25W का आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। कैमरे की बात करूं, आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, 16MP 12MP प्लस 12MP। सेल्फी की बात करूं तो आपको डुअल सेल्फी देखने को मिल जाती है, 10MP प्लस 8MP। बात करते हैं प्राइस की, 8GB वाले वेरियंट की बात करें तो आपको 65,200 रुपीज़ में आपको अमेजोन पे मिल जाता है ये फ़ोन, जो कि बहुत ज़्यादा सही है।
लिंक दिया, अगर चेकआउट करना चाहते हो चेकआउट कर सकते हो, अगर परचेज करना चाहते हो आप परचेज भी कर सकते हो, जैसे आपका दिल करता है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं, जैसे भी आपका दिल करता है करो यार। नंबर थ्री की बात कर लेते हैं, नंबर थ्री पर आता है यार आईफोन की ओर से फोन। अगर आप आईफोन लवर हो तो इस फोन की ओर जा सकते हो, आपको बहुत ज्यादा सही डिस्प्ले मिल जाती है, डिजाइन मिल जाता है, प्लस आईफोन के जितने भी कलर हैं यार वो कलर दी बेस्ट होते हैं, ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को सबको पता ही आईफोन कैसा है कैसा नहीं है। बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की, सबसे पहले बात करता हूं मैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले की बात करूं तो आपको 6.5 इंच लिक्विड रेटिना देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं A12 बायोनिक चिपसेट आपको इसमें देखने को मिल जाती है। रैम की बात करूं तो आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 64GB, 128GB प्लस 256GB, जो भी आपके प्राइस में सेट बैठता है आप उसकी और जा सकते हो। बैटरी की बात करूं आपको 3174mAh की बैटरी इसमें देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूं आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, 12MP प्लस 12MP। सेल्फी की बात करूं तो आपको 7MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। अभी बात कर लेते हैं प्राइस की, लाइक 64GB वाला वेरियंट जो है आपको 69,900 में Amazon पे मिल जाता है भाई। अगर लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, जैसे भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं नंबर टू की बात करें तो नंबर टू पर यार फिर से आ गया आईफोन, दी बेस्ट फोन है। प्लस इसके जो कैमरे की शेप है बैक साइड में वो बहुत ज़्यादा सही लगती है, इसके कलर हो गया, डिस्प्ले हो गया, डिज़ाइन हो गया, बहुत ज़्यादा सही आपको देखने को मिल जाता है। अगर सैमसंग लवर हो, इस प्राइस रेंज में आप सैमसंग की ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो, जैसे भी दिल करता है आप कर सकते हो। मैं स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ, ज़्यादा आपको मैं नहीं बताऊँगा बिकॉज लोगों को पता ही आईफोन कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.1 इंच आपको लिक्विड रेटिना देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करूँ A30 बायोनिक चिपसेट इसमें देखने को मिल जाता है। रैम की बात करूँ तो आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, 64GB प्लस 128GB, जो भी आपके बजट में सेट बैठता है आप उसकी ओर जा सकते हो। बैटरी की बात करूँ आपको 3110mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, प्लस वायरलेस चार्जिंग भी ये सपोर्ट कर देता है। अभी बात कर लेते हैं कैमरे की तो आपको 12MP प्लस 12MP डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है इसमें। सेल्फी की बात करूं तो आपको 12MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। अभी बात कर लेते हैं प्राइस की तो मैं प्राइस की बात करूं आपको 64GB वाला वेरिएंट जो है वो 68,300 में देखने को मिल जाता है अमेज़ॉन पे। लिंक इसका भी दिया है, अगर इस फ़ोन की ओर जाना चाहते हो देखना चाहते हो आप जा सकते हो, जैसे भी करना चाहो भाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू नहीं है। बात कर लेते हैं नंबर वन पर आता है सैमसंग की ओर से फोन, लाइक S20 की बात कर रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी S20। बहुत ही ज़्यादा सही आपको फोन देखने को मिल जाता है, इसका जो क्लासी डिज़ाइन है लाइट वेट देखने को मिल जाता है, IP68 रेटिंग इसको देखने को मिली हुई है, प्लस वीडियो क्वालिटी इसकी जो सही है ना यार क्या बात करूँ आपसे, ठीक है। S20 हो गया या S20 प्लस हो गया, फुल लोडेड आपको फ़ोन देखने को मिल जाता है, प्लस इसके डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा सही है। सैमसंग में यार आपको प्राइवेसी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है, अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह रखना चाहते हो, कोई अपनी पिक्चर्स वगैरह कुछ भी आप रखना चाहते हो आप सेफली रख सकते हो, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईफोन हो गया एंड सैमसंग हो गया, प्राइवेसी सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है। इसका तो यार डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा सही है, खुद चेकआउट कर लेना, लिंक वगैरह दिया हुआ है, जैसे भी करना कर सकते हो, अगर परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज भी कर सकते हो। बात कर लेते हैं थोड़ी सी यार स्पेसिफिकेशन की, तो स्पेसिफिकेशन की बात करूं आपको 6.2 इंच HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा सही है, प्लस इसके कैमरे का जो डिज़ाइन है ना बैक में वो बहुत सही लगता है। प्रोसेसर की बात करूं Exynos 990 देखने को मिल जाता है। रैम की बात करूं तो 2 वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है, 8GB में प्लस 12GB में। उसके बाद स्टोरेज की बात करूं, स्टोरेज भी आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिल जाती है, 128GB प्लस 256GB, ठीक है। बैटरी की बात करूं 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस आपको 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को इसमें इसके साथ सॉरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूं 64MP प्लस 12MP प्लस 12MP आपको ट्रिपल कैमरा इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। सेल्फी की बात करूं तो आपको 10MP सेल्फी इसमें देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करूं 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाला जो फ़ोन है आपको 70,499 में देखने को मिल जाता है अमेज़ॉन पे। लिंक इसका भी दिया, अगर आप सैमसंग लवर हो सैमसंग की ओर जाना चाहते हो आपके लिए ये भी दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो यार मैंने आपको 5 फ़ोन बता दिए जो कि इस प्राइस रेंज में दी बेस्ट है, जो भी आप देखना चाहते हो लेना चाहते हो जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है।
एंड जियोनी ओप्पो वगैरह के मैंने फ़ोन इसलिए नहीं रखे, रियलमी रेडमी बहुत फ़ोन ऐसे हैं कि उनके भी प्राइस रेंज में आते हैं, उनके फ़ोन इसीलिए नहीं रखे बिकॉज यार 15,000 के ऊपर अगर आप पे करते हो तो कोई बंदा जियोनी रियलमी ओप्पो की और जाना नहीं चाहता। सो दैट्स वाई मैंने वो फ़ोन इस बजट में नहीं रखे। वन प्लस दी बेस्ट है, सैमसंग दी बेस्ट है, आईफोन दी बेस्ट है, इस प्राइस रेंज में लोग इनकी और ही जाते हैं, तो दैट्स वाई मैंने इस प्राइस में इनको रखा। तो मेरी वीडियो यार अभी हो जाती है ख़त्म। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो यार, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।